गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो चलते हैं क्लास 8 एक्सरसाइज 2.6 लास्ट एक्सरसाइज है हमारे पास इस चैप्टर की। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे कहते हैं, देखते हैं क्या कहता है। सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, आपको इक्वेशन सोल्व करनी है। क्या कह रहा है कि 8x-3/3x=2। आपको किसकी वैल्यू करनी है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि पूरी इक्वेशन में क्या है, वेरिएबल कौन है, एक्स है। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन क्या है, 8x-3/3x=2। ये क्वेश्चन है आपके पास। सोल्व कैसे करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें, जो डिवाइड में है वो इधर आके कैसे हो जाता है, मल्टीप्लाई में हो जाता है। 8x-3 आपका सेम 3x मल्टीप्लाई में गया 2 के साथ, 8x-3 आपका सेम 2 3 6 6x। अब एक चीज़ याद रखना, एक्स वाला एक्स वाले के साथ ही प्लस और माइनस होता है। तो 6x को इधर शिफ्ट कर दूँ तो कितना आया, 8x 6x इधर कहीं गया प्लस का, इक्वल टू के इधर कोई भी डिजिट जाती है उसका साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो किस कहें का हो गया 6x-3 का इक्वल टू, अच्छा 3 का है तो इक्वल टू के इधर शिफ्ट किया 3 को, तो 3 कहें का हो गया प्लस का। 8x में से 6x-3 कितना बचा, 2x=3। चलो 2 मल्टीप्लाई में तो किधर आ जाएगा, इधर डिवाइड में, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आई, 3/2 आई है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 2.6। ठीक, ऐसे ही सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, सेकंड भी ऐसे होगा, थर्ड भी, फोर्थ भी, फिफ्थ। मैं फिफ्थ वर्क करके दिखा देता हूँ आपको क्या है, 7y+4 क्वेश्चन नंबर 5 जो मैं कर रहा हूँ, y+2=-4/3। ये आपके पास क्वेश्चन, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए, डिवाइड में वो मल्टीप्लाई में, इधर भी जो डिवाइड में वो इधर मल्टीप्लाई में, तो 3 किधर जाएगा मल्टीप्लाई में, 7y+4 के पास y+2 किधर जाएगा मल्टीप्लाई में, y+2 किधर जाएगा -4 के पास, तो -4 के पास कौन आएगा, y+2। 3 के मल्टीप्लाई पहले 7 से और फिर 4 से, तो 3 7 21y, 3 4 12, -4y, क्योंकि y के साथ -4 की मल्टीप्लाई हुई तो कितना आया, -4y, प्लस माइनस और 4 2 8, तो y वाले के साथ सोल्व होगा। ठीक है, तो 21y आपका सेम है, माइनस का 4y है ना, इक्वल टू के इधर आके साइन चेंज हो गए तो प्लस का 4y होगा, -8 आपका सेम, प्लस का 12 है ना, इक्वल टू के इधर आएगा तो y का 12 होगा, माइनस का 12, अच्छा 21 और 4 कितना हुए, 25y, -, प्लस 12 और 8 20, लेकिन साइन किसका आता है, माइनस का आता है। अच्छा मल्टीप्लाई वाला नंबर किस में आएगा, इधर डिवाइड कट कर दिया किससे, 5 से, 5 4 20 5 5 25, तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, -4/5। ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। द एज ऑफ हरी एंड हैरी आर इन द रेशियो 5:7। जो हरी और हैरी की एज है उसका एज का रेशियो कितना है, 5:7। 4 years फ्रॉम नाउ, अब से 4 साल बाद, द रेशियो ऑफ देयर एजेस, उनकी जो रेशियो होगा एज का कितना होगा, 3:4, क्योंकि प्रेजेंट एज बतानी है। ठीक है, तो प्रेजेंट एज उनकी बतानी है कि फ़िलहाल उनकी एज कितनी है। तो क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं, मुझे फ़िलहाल दिया हुआ है 5:7, जो फ़िलहाल उसकी एज है वो कितनी है, 3 है। ठीक है, चलिए तो प्रेजेंट एज ऑफ हरी, 5:7 दिया हुआ है हरी की और हरी की, ये 7, तो मुझे तो रेशियो दिया हुआ है ना 5:7, कुछ ना कुछ कट करके आया होगा, क्या पता है 50/70 हो, ऐसे 0 0 कट के फिर भी 5/7 बचाओ, तो कुछ ना कुछ तो कट हुआ होगा ना, जो कॉमन फैक्टर है, तो मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, एक्स ले लिया। ठीक है, तो एक्स क्या ले लिया मैंने, वेरिएबल जैसे कट हुआ होगा, जैसे सपोज करो ये आया होगा रेशियो, तो
तो कट करके सिंपल फ्रैक्शन में लाए होंगे 5/7, क्या पता वो डिजिट 5, 15 और 21 रही हो, क्या पता वो डिजिट 50 और 70 रही हो, कुछ भी रह सकती है। चलिए क्या क्या आ रहा है, फ्रॉम 4 ईयर्स फ्रॉम नाउ, 4 ईयर फ्रॉम नाउ, तो फोर ईयर्स फ्रॉम नाउ, तो 4 ईयर्स के बाद क्या एज हो जाएगी उनकी, जो एज ऑफ हैरी कितनी हो जाएगी उसकी, एज ऑफ हैरी कितनी हो जाएगी उस वक्त, 5x+4, और एज ऑफ हैरी की तो होगी, और हैरी की कितनी हो जाएगी, 7x+4। ठीक है, अब क्या कह रहा है, जो उनकी एज का रेशियो है 4 साल के बाद वो कितना हो गया, 3:4, तो जो उनकी एज का रेशियो है वो कितना हो गया, 3/4। ठीक है, चलिए करें क्रॉस मल्टीप्लाई, ये पूरा इधर जाएगा और 4 इधर, तो 4 की मल्टीप्लाई हुई किस में, 5x+4 में, 3 की मल्टीप्लाई हुई किस में, 7x+4। ठीक है, तो मैं इस वोल्ट को इधर ही भेज देता हूँ, 3 की मल्टीप्लाई 7x+4। ठीक है, ये बचा है मेरे पास, क्वेश्चन को ध्यान से समझना, 4 की मल्टीप्लाई पहले 5 से होगी और फिर 4 से, तो 4 5 20 20x, 4 4 16, ऐसे 3 की मल्टीप्लाई पहले 7 से और फिर 4 से, 3 7 21, 3 4 12। एक्स वाले एक जगह कर लेते हैं, इधर शिफ्ट कर लेते हैं, चलिए 20x माइनस का 21x होगा, ठीक है, इक्वल टू 16 को इधर शिफ्ट कर दो, तो 12 माइनस 16, ठीक है, क्या आया, 20 माइनस हुआ कितना आया, 1x, बट ये डिजिट कौन सी है, 21, कहीं का साइन है माइनस, तो माइनस के 1x, 12 में 16 गए 4, बट ये डिजिट पे माइनस का साइन है तो माइनस के 4, माइनस से माइनस कट रहा, तो एक्स की वैल्यू कितनी आई, 4 आई है, कोई डाउट हो तो उसमें बताओ, 21 को इधर शिफ्ट किया, 16 को उधर शिफ्ट किया, साइन चेंज हुए, ये माइनस हो गया माइनस 4 बचा, ये माइनस हो गया माइनस 1 बचा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हुआ, एक्स की वैल्यू आई 4, तो जो हैरी की एज थी वो कितनी थी, 5x, तो 5 × 4, तो हैरी की एज कितनी आई, 20 आई, ऐसी जो हैरी की एज, और जो हैरी की एज है वो कितनी आई, 28, ये है उनकी प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज कितनी है, हैरी की है आपके पास 20 और हैरी की कितनी है, 28 है। ठीक है, तो इसका लास्ट पार्ट है, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 दिया आपके पास होमवर्क में, तो इसी के साथ पूरा आपका चैप्टर होता है कंप्लीट, सेकंड चैप्टर, या आप फोन फेयर नोट में अपना वर्क करना है, चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।